वेलकम गाइज, वेलकम टू आवर चैनल रियल किंग ऑफिशियल। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल रियल किंग ऑफिशियल में। हम डिस्कस करेंगे जेएस और जेडब्ल्यू के बीच जो मैच होने वाला है, कौन सा मैच होने वाला है, टी10 का मैच होने वाला है, क्रोशिया टी10 जो चलने वाला है, चल रहा है, उसका तीसरा मैच होगा। दोनों ही नई टीम्स है, जाग्रब स्कॉल और जाग्रेब वॉरियर्स। तो इनके बीच ये मैच होगा 4:30 बजे 23 अक्टूबर को मेलाडोस्ट पे खेला जाएगा। तो इस मैच के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल रियल किंग ऑफिशियल जल्दी से जल्दी जाके ज्वाइन कर लो, आपको फाइनल अपडेट फाइनल टीम इसी चैनल पे यहीं पे दी जाएगी। तो ये ज्वाइन करके रखो आप, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, फर्स्ट कमेंट पिन के बाद जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। बात करते हैं वेन्यू की। यहाँ 110 से 120 स्कोर बनता है मेलाडोस्ट क्रिकेट ग्राउंड जाग्रेब में। यहाँ काफ़ी टी10 हो चुके हैं, यही स्कोर देखने को मिल सकता है। अभी मैं वीडियो बना रहा था तो एक मैच यहाँ पे चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, ठीक है। तो एक अच्छा वेन्यू है यहाँ पे, जब फिर हम डिस्कस करेंगे टीम्स के बारे में क्या कुछ रह सकता है क्या कुछ नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जो हो रहा है उस मैच के बारे में। जो मैच हो रहा है उसका ये हाल चल रहा है फिलहाल। टीम ने फर्स्ट बैट करके 65 पे 8 आउट हो चुका है, दूसरे का 20 पे 3 आउट हो चुका है। ये फर्स्ट मैच चल रहा है तो यहाँ ज़्यादा स्कोर देखने को नहीं मिल रहा है। विकेट्स की बात करें किसको मिला है तो मैं बता दूँ, पेसर और स्पिनर को लगभग इक्वल से विकेट मिले हैं। 2 विकेट पेसर लेके गया है कि मैं बता रहा हूँ, 4 विकेट पेसर लेके गए हैं, बाकी स्पिनर्स और रनआउट भी हैं। बात करते हैं जाग्रब स्कॉल के, इसका अच्छा खासा अपने पास डाटा है। अमन महेश्वरी अच्छे प्लेयर है, 45 4 1 विकेट, 1 विकेट 6 रन, 37 मैच में 14 विकेट, 43 ओवर करके 1 आधा ओवर करके देंगे आपको, 300 रन भी बनाए हैं। मार्क डेविस कोई खास है नहीं, 22 मैच में 3 रन इस में बनाया। सुरेश शानमुगन ये जो बॉलर खेलेंगे, 27 मैच में 29 ओवर 12 विकेट, 1 दो ओवर कर देते हैं, कभी 2 कभी 1। अर्पित शुक्ला 0 1 4 10 0 3, 25 मैच में 163 रन, 9 विकेट। ये आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए ओपन करते हुए दिख सकते हैं, अमन महेश्वरी के साथ यही ओपन करते हुए आपको दिख सकते हैं। बाद में आप देखोगे कभी कभार बॉलिंग भी कर लेते हैं, 25 में 15 ओवर भी किए हैं, 9 विकेट लिया है, तो कभी कभार बॉलिंग कर लेते हैं। वो देखना पड़ेगा इनका क्या कॉम्बिनेशन है, करेंगे कि नहीं करेंगे। कई बार टी10 में कोई भी बॉलिंग कर सकता है। शोएब अहमद 2 विकेट 13 2, DNB 27 मैच में 12 ओवर किए, बॉलिंग बहुत कम करते हैं पर 12 ओवर में 7 विकेट लिया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ निकल गया। जहाँ जितनी बॉलिंग करते हैं तब विकेट ले लेते हैं जल्दी से जल्दी, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है सोहेल अहमद के लिए। सॉरी, उसामा इधर ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, 10 मैच में 39 रन 7 ओवर 2 विकेट, पर मिडिल ऑर्डर में या लोअर बैटिंग करने आते हैं थोड़ा सा इनके साथ इशू रहता है। सागर मंजूर की बात करें 2 16 28 8 14 16 मैच में 227 रन, सागर या तो आपको ओपनिंग करते दिखेंगे या टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हुए दिखेंगे, तो सागर पर आप ले सकते हो बैटिंग फर्स्ट जाग्रब स्कॉल करती है। तो गुरप्रीत सिंह बहुत अच्छे प्लेयर हैं, 10 मैच में 4 विकेट 93 रन, रिसेंट इनका अच्छा है, हर मैच में बॉलिंग कर रहे हैं, 21 0 विकेट 0 2 1 विकेट 16 0 विकेट 6 0 विकेट, विकेट नहीं मिली है इनको रिसेंटली, पर ये बॉलिंग हर मैच में कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ ज़्यादा बन जाती है। विघ्नेश की बात करें 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, DNB ये ECN T20 खेले हैं, T20 में इन्होंने ये सब परफॉर्म किया है। बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जय ठाकुर की, ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस अड्डे जय ठाकुर, 13 मैच में 4 विकेट 81 रन, रिसेंट 15 0 20 0 8 2 5 0, DNB देखो कभी तो बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं कभी करते नहीं है, इस टाइप के प्लेयर हैं जय ठाकुर। टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हो या मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हो आपको दिख जाएंगे। लुका कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 9 मैच में 2 रन, डेविड स्किनर 14 मैच में 85 रन, इंटरनेशनल प्लेयर है डेविड स्किनर भी। सी ओसबर्न 8 मैच में 5 विकेट है, रिसेंट ठीक ठाक है, एज ए बॉलर खेलेंगे बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे क्योंकि बहुत सारे नए प्लेयर हैं, तो ये आपको बॉलिंग करते हुए पूरी दिख जाएंगे। दिनेश की बात करें ज़्यादा कोई खास नहीं है, 14 मैच में 11 रन। अलमामून की बात करें ये अच्छे प्लेयर, 8 मैच में 4 विकेट 16 7 ओवर किए 3 9 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, ऐसे विकेट भी लेके गए हैं। अंजीत मुरुगन की बात करें 4 में 0 विकेट हैं। अब बॉलर्स की बात करें यहाँ आपको पूरी बॉलिंग करके कौन दे सकता है, अमन महेश्वरी, अर्पित शुक्ला 1 2 ओवर कर सकते हैं बाकी नहीं करेंगे, गुरप्रीत सिंह, राथिन नुमा स्वामी भी कर सकते हैं, जय ठाकुर और उसके बाद ओसबर्न, अलमामून, ये प्लेयर आपको इतने 5-6 हैं, इनमें से आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। वॉरियर्स की बात करते हैं जाग्रेब, अब्दुल हसन 24 1 48 2 1 6 0 19 0 11 मैच में 6 विकेट 304 रन, अच्छे हिटिंग अच्छी कर लेते हैं, विकेट ज़्यादा नहीं मिले हुए, हिटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं भाई, 11 मैच में 304 रन, 30+ हर मैच में बना रहे हैं। प्रतीक की बात, पीटर की बात करें 13 मैच में 2 विकेट लिया है, कोई खास प्लेयर है नहीं। केरेज की बात करें DNB 2 विकेट 12 मैच में 15 ओवर करके 6 विकेट लिया, बॉलिंग पूरी करते हुए दिख सकते हैं आपको कासिमीर करेज, ठीक है। अभिषेक अवस्थी 7 मैच में 12 ओवर 1 ओवर, कुछ ज़्यादा खास नहीं किया। ये दक्षिणी 4 मैच में 13 रन, ये डोमेस्टिक के बहुत अच्छे प्लेयर है अक्षय दक्षिणी, इनको आप बैटिंग के लिए ले सकते हो, अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं अक्षय दक्षिणी, ये लिखे ले लेना आप, ये अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। 5 0 विकेट 0 विकेट 5, DNB मौका नहीं मिला इनको। इवान DNB LN की बात करें 1 विकेट
जीरो जीरो विकेट, जीरो तीन मैच, दो ओवर एक विकेट। हैंजिक की बात करें तीन मैच में चार रन। अब और मैं आपको बताता हूँ यहाँ से बॉलिंग करके देंगे अब्दुल हसन आपको, काश्मीर आपको और एलन, ये बॉलिंग करके दे सकते हैं। बाकी जो प्लेयर बच गए हैं जिनका डाटा है वो मैं जैसे ही मिलता है टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहूँगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। फिलहाल बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन कौन रह सकता है इनमें से। अमन महेश्वरी, जय ठाकुर, ओसबन, अब्दुल हसन, काशिमीर क्रेज, गुरप्रीत सिंह, ये मैं अभी कैप्टन वाइस कैप्टन रिकमेंड करूँगा। इनमें फर्स्ट चॉइस रहेगी अल अब्दुल हसन की, अलमून हसन है ये, अब्दुल हसन। दूसरा मैं बात करूँगा महेश्वरी की, तीसरा जय ठाकुर को बताऊंगा, फिर बाकी आप ट्राई कर सकते हो। ये सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले हैं जीएल असल के लिए, जहां भी आप ट्राई करने वाले हो सब जगह यही सेफ ऑप्शन रहने वाले हैं। फिलहाल मैंने आपके लिए एक टीम बनाई है, फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल रियल किंग ऑफिशियल पे आएगी, जाके जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब मोर पे क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक टीम मैं अभी आपको बताता हूँ, मार्क डेविस को लिया, मंजूर को लिया, प्रकाश को लिया, अवस्थी को लिया, हसन को लिया, ठाकुर को लिया, महेश्वरी, आर सिंह, शानमुगन, शुक्ला और ओसबन को मैंने लेके रखा है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मैं अब्दुल हसन को कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकता हूँ, जय ठाकुर को दे सकता हूँ, अमन महेश्वरी को, इन्हीं में से ट्राई करने वाला हूँ। फाइनल टीम जो भी होगी लाइनअप के बाद वो हमारे टेलीग्राम चैनल रियल किंग ऑफिशियल पर आएगी, तो उसको जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करके रखो। थैंक यू गाइज़।